नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं पुष्कर सैनी, दोस्तों चैनल के माध्यम से आपको पता है मैं टेक्निकल की जो न्यूमेरिकल क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर रखे अपन ने। इससे पहले 5 क्लासेज मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको बारी बारी चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एक पर्टिकुलर एक रजिस्टर तैयार कर लीजिएगा जिसमें स्पेशल न्यूमेरिकल हो, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो आप यूट्यूब पर जाके टैग विद पुष्कर टाइप करके आप चैनल को विजिट करके सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल मैंने करवा रखे हैं 5 क्लासेज में, वो आप उनको आप बारी बारी से समझ सकते हो। किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में फिर से हम 5 क्वेश्चन करेंगे, ये भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में जो भी टेक्निकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है सेल दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेल जोड़ रखे हैं। ठीक है, अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 सेल 2 सेल 3 सेल। ठीक है, और चौथा सेल इस तरीके से जोड़ रखा है, 5, 6, 7 इस तरह से जोड़ रखा है, और 8। ठीक है दोस्तों, 18 टोटल जो वोल्टेज है वो ज्ञात करवा रहा है। अब देखो गौर से देखेंगे अपन क्या करेंगे। देखो भाई, इसमें जो बड़ा टर्मिनल होता ना, ये तो होता धनात्मक, ये छोटा था ऋणात्मक, मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में तो क्या देखेंगे भाई, 3 जो सेल होते हैं वो सही क्रम में जुड़ रहे हैं, लेकिन 14 जो सेल है वो अपोजिट क्रम में जुड़ रहा है। फिर इसी तरह से 2 सेल सही क्रम में जुड़ रहे हैं, और जो 7 नंबर का सेल है वो अपोजिट क्रम में जुड़ रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन में समझाने लायक था। ठीक है, अब देखो भाई कितने सेल हैं टोटल, 1 सेल का वोल्टेज कितना देखा है, 4 वोल्टेज देखा। कितने सेल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सेल है। तो टोटल वोल्टेज जो ET होता है अपना, जो ET टोटल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, N.E होता है। N मतलब कितने सेल जुड़े हुए हैं, और E क्या है, एक सेल का वोल्टेज है। तो देखो भाई ET बराबर कितने सेल जुड़े हुए हैं, 8 सेल जुड़े हुए हैं। ठीक, काउंट करने पर 8 सेल जुड़े हैं, एक सेल का वोल्टेज कितना देगा, 4 देगा। तो ET बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 32 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि अपना गलत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि गौर से देखें क्वेश्चन के 2 सेल जो है वो अपोजिट क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें जितने सेल उल्टे जुड़े हुए हैं भी अपोजिट जुड़े हैं, उतने ही सेलों का वोल्टेज को बैठाना है। जैसे देखो मान लो यहाँ पे कितने सेल जुड़े हुए अपोजिट क्रम में, विपरीत क्रम में कितने सेल हैं, 2 सेल जुड़े हैं, तो 2 ही सेल और ले लेंगे, तो कितने सेल हो गए, 4 सेल हो गए, 4 सेलों का वोल्टेज, समझ रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पर 2 सेल ये थे, 2 सेल हैं, 2 सेल जितने सेल भी विपरीत जुड़े हैं उतने ही सेल और ले लेंगे, 2 सेल हैं तो कितने ले लिए, 2 सेल और ले लिए, तो कितने हो गए, 4 सेल हो गए। 4 सेलों का वोल्टेज एक सेल का कितना देगा, 4 × 4 = 16। मान लो यहाँ पर 3 सेल होते, ठीक है, कितने सेल होते, मान लो यहाँ पर 3 सेल विपरीत क्रम में जुड़े होते, तो क्या होता है, 3 ही सेल ले लेते, 3 × 3 = 6, और 1 सेल का कितना होगा, 24 घटा ले। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितने सेल जोड़ रखा है विपरीत क्रम में, 2 सेल जोड़ रखा है। ठीक है, ये वाले ये जो कि मैंने रेड रेड कलर से दिखा रही, 2 सेल जोड़ रखा, 2 सेल जोड़ रखा है विपरीत क्रम में, 2 ही सेल और लेंगे, तो कितने हो जाएंगे भाई, 4 सेल हो जाएंगे, और 1 सेल की वोल्टेज कितनी, 4 × 16 वोल्टेज हो जाएगी, जो कि हमको इसमें इससे घटाना है। ठीक है, तो टोटल ET बराबर कितना हो जाएगा, 32 माइनस का 16, तो कितने बच गए भाई, 16 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा से देखते हैं, इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं। देखो इधर भाई टोटल सेल कितने दे रखे हैं, 8 सेल दे रखे हैं। ठीक है, विपरीत क्रम में कितने जुड़े हुए हैं, 2 सेल जुड़े हैं। ठीक है, टोटल कितने दे रखे थे भैया आपको, 8 सेल दे रखे हैं, विपरीत अपोजिट में कितने जुड़े हैं, 2 सेल जुड़ रखे हैं। जितने अपोजिट जुड़े हैं उनका डबल कर लेंगे, 2 का डबल कितना होगा भाई, 4, 4 सेल। ठीक है, अभी 4 सेल हैं टोटल, कितने 8 थे, 8 में से 4 के तो बचे कितने, 4 सेल बचे गए। 1 सेल का वोल्टेज कितना होगा भाई, 1 सेल का वोल्टेज कितना दे रखा है, 4 वोल्टेज दे रखा है, 4 × 16 वोल्ट। इस तरह से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 16 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक
ठीक है दोस्तों, समझने लायक क्या चीज़ थी कि जितने भी अपोजिट कर्म में जुड़े हैं सेल उसका डबल कर देंगे और उसको टोटल सेलों में से घटा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चार सूक्ष्म सेल 6 ओम के लोड प्रतिरोध मतलब लोड रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल आंतरिक प्रतिरोध टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 0.8 ओम है, तो धारा का मान क्या होगा, करंट की वैल्यू पूछी है। कनेक्शन किस प्रकार का हुई, श्रेणी प्रकार का, सीरीज क्रम है, ठीक है, श्रेणी कनेक्शन है। क्या दे रखे हैं, सेलों की संख्या, कौन सा सेल दे रखा है, सबसे पहले बात करेंगे सूक्ष्म सेल दे रखा, कौन सा सेल दे रखा है, सूक्ष्म सेल को क्या बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं। सूक्ष्म सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्टेज होता है। ये भी आपने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूक्ष्म सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्टेज होता है। अब देखो सूक्ष्म सेल दे रखा है, कितने सेल दे रखे हैं, नंबर ऑफ सेल कितने सेल की संख्या दे रखी है, 4 दे रखी है। 6 ओम के लोड RL का मान, लोड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 ओम दे रखा है, ठीक है। कुल आंतरिक प्रतिरोध RT, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.8 ओम दे रखा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, उनसे धारा ज्ञात करवा रहा है, ठीक है भाई, समझ गए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, श्रेणी क्रम दे रखा था, ड्राई सेल दे रखा है जिसकी एक सेल की वोल्टेज कितनी होती है, 1.5 वोल्टेज होती है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ सेल्स कितने दे रखे हैं, 4 सेल दे रखे हैं। और लोड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 ओम दे रखा है। RT बराबर 0.8 ओम दे रखा है। I का मान ज्ञात करवा रहा है, ठीक है भाई। अब देखो I का मान, श्रेणी क्रम में जो I होता है ना, धारा जो होती है वो क्या होती है, एन डॉट ई बटे में आर, एन डॉट आर प्लस आर, ठीक है। ये तो एन क्या है, सेलों की संख्या, ई क्या है, एक सेल का वोल्टेज, एन क्या है, सेलों की संख्या, आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आर क्या है, लोड रेजिस्टेंस। अब देखो भाई आर बराबर एन क्या है, सेलों की संख्या कितनी दे रखी है, 4 गुना ई, एक सेल का वोल्टेज। क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा, क्वेश्चन में तो क्या दे रखा है, केवल सूक्ष्म सेल दे रखा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सूक्ष्म सेल मतलब ड्राई सेल होता है, उसका वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्टेज होता है, ठीक है, 1.5 वोल्टेज ध्यान रखना, ठीक है। एन आर, एन की संख्या 4 होती है, आर आंतरिक प्रतिरोध, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा, कुल आंतरिक प्रतिरोध दे रखा, ठीक है भाई, कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसलिए अपन डायरेक्ट यहां पर क्या रख देंगे, 0.8 दे। अगर एक सेल का देता तो 4 गुणा में एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इस तरह टोटल, लेकिन क्वेश्चन में दे ही रखा 0.8 प्लस में आर। कुल लोड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 ओम दे रखा है, ठीक है, 6 ओम दे रखा है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं भाई, I बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 15 × 4 ये 6 हो गया, बटे में इसको ऐड किया तो 6.8, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे और आगे देख लो, इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटाने के बाद ऊपर चला जाएगा, 60/68 हो जाएगा, और 60/68 हो गया। I बराबर इसको सोल्व आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा अपना, ये भाई 68 भाग नहीं जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, फिर 8, ठीक है, और ये अपना एम्पियर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, क्रम कौन सा दे रखा था, श्रेणी क्रम, सीरीज क्रम दे रखा था। सूक्ष्म सेल का वोल्टेज कितना, 1.5 वोल्टेज होता है। नंबर ऑफ सेल 4 दे रखे थे। RL का मान 6 दे रखा था। RT का मान 0.8 ओम दे रखा था, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। करंट अपन से निकला हुआ था, ये फॉर्मूला होता है करंट का श्रेणी क्रम में, कि I बराबर N डॉट E बराबर N डॉट R प्लस R। ये क्वेश्चन में अपने फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए N का मान अपने रख दिया और E का मान रख दिया, और सारी वैल्यू करके अपने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है दोस्तों। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक होकर पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप एक नोट्स तैयार कर लो स्पेशल न्यूमेरिकल का, ताकि एग्जाम जब पास आता है तो अपन क्या होता है, उसको रिवाइज कर ले फटाफट, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही ऐसे होते हैं ज्यादा स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं, और उसमें क्या होता है फिर अपना सिलेक्शन रह जाता है। न्यूमेरिकल अगर अच्छी तरह से करेंगे ना तो फिर उम्मीद बनती है सिलेक्शन की, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल, एक बार बस प्रैक्टिस करनी होती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8 सूक्ष्म सेल, सूक्ष्म सेलों का कितने दे रखे हैं भाई, वही पहले है सूक्ष्म सेल पिछले वाले क्वेश्चन में, एक सूक्ष्म सेल का वोल्टेज कितना होता है, ये पूछा जाता है जनरली छोटे से एग्जाम में, जैसे लाइन मैन वगैरह होते हैं, राजस्थान में टेक्निकल के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ लेता, आईटीआई बेसिस में पूछ लेता था कि ड्राई सेल सूक्ष्म सेल का वोल्टेज कितना, 1.5 वोल्टेज होता है, ठीक है दोस्तों।
ये भी उनको ध्यान रखना। कितने सेल जोड़ोगे भाई? 8 सेल दे रखे हैं। कितने सेल है? नंबर ऑफ सेल कितने दे रखे हैं भाई? 8 दे रखे हैं, ठीक है भाई। क्रम कौन सा दे रखा? समांतर, मतलब पैरेलल में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पैरेलल और सीरीज वाला, पैरेलल में दे रखा है। 8 ओम के लोड रेजिस्टेंस से, RL का मान, लोड रेजिस्टेंस कितना दे रखा भाई? 8 ओम दे रखा। यदि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इस बार क्या कर रखा है? एक सेल का दे रखा, पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? कुल दे रखा था। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा भाई? 0.1 ओम दे रखा। कितना दे रखा? 0.1 ओम दे रखा है, ठीक है। तो कुल धारा क्या होगी? वही करंट निकलवा रहा है। पिछले क्वेश्चन में श्रेणी क्रम के निकलवा रहा था, इस क्वेश्चन में पैरेलल मतलब समांतर क्रम के लिए निकलवा रहा है, ठीक है। तो समांतर क्रम में जो धारा होती है वो क्या होती है? हमने देखेंगे क्वेश्चन में कि होता क्या है। I बराबर समांतर क्रम के लिए I बराबर क्या हो जाएगा? E बटे में R बटे N प्लस R। अब ये I तो क्या होगा? धारा होगा। E क्या होगा? टोटल वोल्टेज। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? समान होता है, लेकिन धारा अलग अलग होती है। R क्या? आंतरिक प्रतिरोध। N क्या? नंबर ऑफ सेल्स। R क्या? लोड रेजिस्टेंस। हो गया, क्लियर। अब देखो भाई, E एक सेल का वोल्टेज कितना दे रखा है? 1.5 वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। जैसे उनको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं देता है, क्वेश्चन में सेल का नाम दे रखा था, यहाँ पर रखेंगे 1.5 वोल्टेज, क्लियर। आर आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है भाई? 0.1 बटे में एन, नंबर ऑफ सेल्स कितने दे रखे हैं? 8 सेल दे रखे भाई, ठीक है। 8 प्लस कितना देगा? 8। लोड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 8 ओम दे रखा है, ठीक है भाई। ये 8 ओम दे रखा है, क्लियर दोस्तों, समझ में आया। अब यहाँ पर ऐसा क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा था, इसलिए अपन ने यहाँ पर रखा। उसमें तो क्या दे रखा था? एन डॉट आर आ रहा था ना श्रेणी क्रम में, तो क्या था? टोटल दिन का मान दे रखा था, आर डी बराबर दे रखा था, ठीक है। इसलिए अपन ने नहीं रखा था उसमें, ठीक है, श्रेणी क्रम में। अगर नहीं देता तो एन और आर दोनों की वैल्यू रखता। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, 1.5 ऐसे कैसे रखा है? इसको सोल्व आउट किया तो अपन कितना होगा भैया? 0.01, 2 और ये 5, ठीक। इसको सोल्व आउट किया प्लस का 8, ठीक है। इधर लिख लिखता हूँ, देखो I बराबर 1.5, जब इसको 0.1 में 8 का भाग दिया हमने तो कितना आया था अपना? 0.0125 प्लस का 8 हो गया, ठीक है भाई। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 1.5 बटे में इन दोनों को ऐड किया तो 8.0125, ठीक है दोस्तों। आप देखो भाई, आगे सोल्व करते हैं, 1.5 बटे में 8.015, इसको हल करते हैं तो कितना आंसर निकल के आएगा अपना, देखते हैं भाई दोस्तों। इसको हटा दिया, ठीक है, जीरो रख दिया, कौन जा रहा है, और 0.01, फिर ये 8 आएगा और ये, ठीक है दोस्तों। कुछ ये आंसर निकल के आएगा 0.187 करंट है, इसलिए क्या जाएगा भाई अपना? एम्पियर हो जाएगा, क्लियर दोस्तों, ठीक है। जब इसको अपन इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.187 एम्पियर आ जाएगा, क्लियर दोस्तों। देखो सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, करंट कौन सा दे रखा था? पैरेलल कनेक्शन दे रखा था, सुख सेल दे रखा था, इसलिए वोल्टेज एक सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्टेज हो गया। नंबर ऑफ सेल 8 दे रखे थे, लोड रेजिस्टेंस 8 ओम दे रखा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा? 0.1, एक सेल का दे रखा था। अब देखो भाई, पैरेलल में जो धारा निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? ई बटे में आर बटे में एन प्लस आर होता है। ई का मान कितना होता है? 1.5 वोल्टेज होता है। आर का मान एक सेल का 0.1, नंबर ऑफ सेल 8 दे रखे थे प्लस 8 क्या है ये आर का मान रखते हैं। फिर इसको सोल्व किया अपन ने, 0.1 बटे में 8 का सोल्व किया तो 0.0125 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो कितना भाई? 8.0125, इसको भाग देने पर क्या हो गया? ये वैल्यू आ गई, क्लियर दोस्तों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैंने सारे के सारे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं उन्हीं पेपरों से ये सिलेक्ट करके आपको करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि E बराबर, E का मान कितना दे रखा है भाई? 1.5 वोल्ट दे रखा है, क्लियर। V बराबर कितना दे रखा है? V बराबर कितना दे रखा है? 1.48 वोल्ट दे रखा है, ठीक है भाई। और प्रतिरोध R का मान कितना दे रखा है भाई? 2 ओम दे रखा है। हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना हो? क्वेश्चन नंबर 2,
तो इंटरनेशनल आर का मान कितना होगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को समझते हैं। ई का मान कितना रखा है? 1.5 वोल्टेज दे रखा है, 1.5 वोल्टेज दे रखा है। वी का मान दे रखा है 1.48 वोल्ट दे रखा है, और आर का मान दे रखा है 2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है भाई, अब देखो क्या होता है आर, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? ई एस माइनस का वी बटे में क्या होता है भाई? अपना आई होता है। ठीक है, जनरली फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि V बराबर आई आर, ये ओम के नियम से पढ़ा है, और आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन में आर होता है। ठीक है, और आर बराबर क्या हो जाएगा इसमें? जैसे आर बराबर निकालेंगे तो आर बराबर वी अपॉन में आई, तो V की जगह V रख दिया अपन ने वाला, और आई की जगह आई रख दिया, आर निकालना अपन को। देखो भी आर लिखते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन में ई एस का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा, आई का मान नहीं दे रखा। ओम के नियम अभी मैं जो चर्चा कर रहा था, वी बराबर क्या होता है भाई? आई आर होता है। ठीक है, अब उन लोगों को आई का मान नहीं दे रखा है ना, आई का मान कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले ओम के नियम से, वी बराबर आई आर से, आई बराबर क्या हो जाएगा भाई? वी बटे में आर हो जाएगा। आई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? वी बटे में आर रख सकता हूँ। आप एक त्रिभुज याद रख सकते हो, वी और आई आर। ठीक है, ये अपना त्रिभुज बड़ा, वी का मान निकालना वी बराबर आई आर, आई का मान निकालना वी बटे में आर, आर का मान वी बटे में आई। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने वो आई का मान निकाला था, आई का मान वी बटे में आर, जिसका मान निकालना उसको छुपा लेते हैं, जो दिखता है वो ऐसे कैसे रहते हैं, वी बटे में आर। तो आई की जगह में क्या रख सकता हूँ भाई? आर बराबर ई एस माइनस का वी, आई की जगह क्या रख दूँ भाई? आई बराबर वी अपन आर रख सकता हूँ, क्योंकि ओम के नियम से मैंने बता दिया आपको, वी बटे में आर। अब इस आर को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई? देखो आगे ई एस माइनस का वी बटे में वी, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? आर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? ये आर ऊपर आ गया। ठीक है भाई, अब देखो भाई आर का मान को दे रखा क्वेश्चन में, वी का मान भी दे रखा आपको, और ई एस और वी का मान दे रखा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, आर बराबर आर का मान रखेंगे अपन कितना दे रखा भाई? 2। ठीक है, ई एस का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में? 1.5 वोल्टेज, 1.5 माइनस का वी का मान कितना रखा है? 1.48 दे रखा है। क्लियर, अब देखो v का मान कितना दे रखा है? 1.48 दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो दो तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ मैं, इन दोनों को घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई अपना? इसको घटाता हूँ 0.02, हाँ 0.02। ठीक है भाई, 0.02 बटे में 1.48। देखो भाई दो ऐसे कैसे रख दिया मैंने, इसको सोल्व किया, कर सकते हो आप इधर, ये देखो कैसे किया हमने, 1.5 था और 1.48 था, यहाँ जीरो रख सकता हूँ, यहाँ देखो जीरो है, इधर आ गया 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, इधर 4 में से 4 गया था 0, पॉइंट ऐसे के 0। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया। क्लियर दोस्तों, अब देखोगे अब इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीपल किया था कितना हो गया? 0.04 बटे में 1.48। ठीक है दोस्तों, और आर बराबर क्या हो जाएगा भाई? जब इसका मैं भाग दूंगा तो ये हो जाएगा भाई, तो कौन टू तो कौन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0. इसको इससे कौन किया फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर लगाता हूँ इस, ठीक आप देखो ये आएगा 0.027। अब प्रतिरोध है इसलिए क्या रखेंगे भाई? ओम रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सिंपल सा था, ई का मान दे रखा, वी का मान दे रखा, आर का मान दे रखा, आंतरिक प्रतिरोध निकलवा था, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या, आर बराबर क्या होता है? ई एस माइनस का वी बटे में आई होता है। आई का मान क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो अपन ने ओम के नियम से वी बराबर आई आर जो होता है, यहाँ से आई का मान निकाल लिया, आई बराबर वी अपॉन में आर। ठीक, आई बराबर वी अपॉन में आर रखा, ये आर बटे में था, इसको ऊपर लेके तो ऐसे आ जाएगा, इस तरह से इक्वेशन बनेगी। इसमें अपन ने मान रख दिया आर की जगह आर का मान रख दिया, ई एस की जगह ई एस का, इसको अपन ने घटाया 1.5 में से घटाया तो अपने ये आ गया, इन दोनों गुणा किया तो ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व किया तो अपने क्या 0.027 आ जाएगा। ठीक है, ओम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम में। ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली अपन को बुक्स में देखने को नहीं मिलता है, ये भी आया हुआ है एग्जाम, इसरो के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो कि इसरो का एग्जाम था अपना, उसमें आया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे अपन उसको। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक कॉइल में 0 से 3 एम्पियर में 30 सेकंड लेते हैं और 3 वोल्ट उत्पन्न होता है तो कॉइल का इंडक्टेंस कितना होगा? क्वेश्चन क्या है?
एक क्वाइल में 0 से 3 एम्पियर, एक क्वाइल में 0 से 3 एम्पियर में 30 सेकेंड लगते हैं तो 3 वोल्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्वाइल का इंडक्टेंस कितना होगा? देखो भाई क्या पूछा है, एल का मान पूछा है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एल बराबर क्या होता है, सॉरी एल का मान तो तुमसे पूछा है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सबसे पहले देखेंगे वी का मान कितना दे रखा है भाई, 3 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 3 वोल्ट उत्पन्न होता है। वी का मान कितना दे रखा है, 3 वोल्ट। अब 0 से 3 एम्पियर धारा में परिवर्तन, डी आई या फॉर्मूला डी टी, अपना फॉर्मूला था डी आई, लेकिन धारा में परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं, डी आई से। तो 0 से कितना हो गया, 3 एम्पियर परिवर्तन होगा। और समय में कितना, 30 सेकेंड लग रहे हैं, डी टी का मान कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो भाई क्या याद करवा रहा है, एल इंडक्टर, इंडक्टर का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, एल का मान फाइंड आउट करवा रहा है, एक फॉर्मूला होता है वी बराबर एल डी आई अपॉन में डी टी। वी क्या वोल्टेज है, एल क्या है इंडक्टर, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं प्रेरक, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। डी आई होता है धारा में परिवर्तन की दर, डी टी मतलब समय के लिए परिवर्तन की दर के लिए अपन टाइम दे देते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। V का मान कितना रखा भाई, 3 वोल्ट, तो V की जगह V रख दिया। L का मान नहीं रखा, ज्ञात करवा रहा है L रख दिया। DI मतलब धारा परिवर्तन कितना हुआ, 0 से 3 एम्पीयर, तो ये अपना 3 एम्पीयर होगा। DT समय कितना लगा, 30 सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 एकम 3 और ये 10 होगा। ठीक है, 3 बराबर L बटे में 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई ये बटे में 10 है, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, 3 गुणा में 10 बराबर L हो जाएगा, 10 दिया 30 बराबर L। ठीक है, L बराबर कितना हो जाएगा, 30। अब L क्या है, इंडक्टर, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। ठीक है, क्या होता है, हेनरी होता है इसका मात्रक। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका 30 हेनरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि V दे रखा था 3 वोल्ट, DI का मान धारा में परिवर्तन दे रखा था, DT दे रखा, L का मान ज्ञात करवा था, अपने फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, V बराबर L DI/DT। V का मान रख दिया, V की जगह L का मान नहीं दे रखा था, DI का मान दे रखा था, इसको सॉल्व आउट किया और 20 हेनरी का आंसर निकल गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों पूरा कंप्लीट मैं फिर से बताता हूँ, आप जब तक इसको प्रैक्टिक रजिस्टर में नहीं बनाओगे, मेंटेन नहीं करोगे, तो अपने को फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए दोस्तों एक रजिस्टर अलग से न्यूमेरिकल का स्पेशल रजिस्टर बना लेगा, जिससे कि आपको जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको एक जगह में कट हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।